उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं से जुड़े प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज रहे हैं। इसको लेकर ईटीवी भारत ने विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित से खास बातचीत की। विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिए एक पहले से सुस्थापित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग विधानसभा सत्र शुरू होने के एक या दो दिन पहले जिला प्रशासन सहित पूरी पुलिस व्यवस्था को बुलाते हैं। अपने यहाँ प्रमुख सचिव गृह आते हैं, पुलिस महानिदेशक आते हैं, जिलाधिकारी आते हैं, कमिश्नर आते हैं, ऐसे सारे अधिकारी बैठते हैं। विधान भवन की सुरक्षा से जुड़े हमारे अधिकारी, प्रमुख सचिव विधानसभा, ऐसे हम सब लोग बैठ कर घंटे डेढ़ घंटे मंथन करते हैं कि किस प्रकार से विधानसभा को सुचारू रूप से चलाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमारे यहाँ प्रश्न पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं और इस समय प्रश्न पीछे दो ढाई महीने से आ रहे हैं और सैकड़ों प्रश्नों पर, पत्रावलियों पर हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज भी तमाम प्रश्नों और पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करना शेष है। विधानसभा अपने सत्र के लिए पूरी तौर पर तैयार है, हमारे अधिकारीगण मुस्तैद हैं। जिस दिन से विधानसभा बुलाई गई है उसके दो दिन पहले बैठक करेंगे, अपनी बैठकें करेंगे अंतरंग, और विधानसभा में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेंगे, तदनुसार कार्यक्रम का विवरण तैयार होगा।